गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, हम सभी अपने ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट हो चुके हैं और प्रेजेंट होने के जस्ट बाद आप लोगों को क्या करना होता है, कमेंट बॉक्स में जाकर अपना अटेंडेंस बनाना होता है। और क्लास तो पता ही है, क्लास वन है और सब्जेक्ट साइंस है, ठीक है ना। तो सभी बच्चे क्लास वन के कमेंट बॉक्स में जाकर अपना अटेंडेंस बना लीजिए। और अटेंडेंस बनाने के बाद आप सभी बच्चों को क्या करना है, अपनी नोटबुक्स ओपन रखनी है, ठीक है ना। और उसके बाद जो हम लोगों ने क्वेश्चन प्रीवियस क्लास में पढ़ा था उसके बारे में हम कुछ यहाँ पे क्या बोलते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद जो आज का जो होमवर्क होगा, आप सभी बच्चे होमवर्क नोट करेंगे। तो हमारा क्या था, प्रीवियस क्लास का क्वेश्चन था मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, है ना। तो उस तरह से आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं एक बार रिवीजन कर देती हूँ, उस क्वेश्चन को रिवाइज कर देती हूँ, आप सभी बच्चे उसे क्या करेंगे, ध्यान से गौर से सुनेंगे। तो पहला क्वेश्चन था मल्टीपल चॉइस का, जो हमने मतलब सैटरडे और कल फ्राइडे को हमने 5 क्वेश्चन दिया था आप सभी बच्चों को, उसका मैं करूँगी, फिर सैटरडे वाला, फिर कल मंडे वाला करूँगी, और आज का जो क्वेश्चन होगा उस पर फिर हम लोग क्या करेंगे, उसको नोट करेंगे। मैं बोर्ड पे दूंगी और आप सभी बच्चे नोट करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन था मल्टीपल चॉइस का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डोमेस्टिक एनिमल। 4 ऑप्शन थे, जिसमें से यानी कि जो ऑप्शन सही था वो क्या था, काऊ। काऊ क्या है, डोमेस्टिक एनिमल है। काऊ को हम क्या करते हैं, अपने फायदे के लिए पालतू बनाते हैं, है ना, पालते हैं। उसके बाद है डोमेस्टिक एनिमल डिपेंड ऑन, डोमेस्टिक एनिमल किन पे डिपेंड होते हैं, जो पालतू जानवर होते हैं जिनको हम अपने फ़ायदे के लिए पालते हैं, वो अपने खाने और रहने के लिए किस पे डिपेंड होते हैं। तो 4 ऑप्शन था उसमें, 4 ऑप्शन थे ए बी सी डी करके। तो सी नंबर जो ह्यूमन था, मतलब इंसान, हम इंसान पे डिपेंड रहते हैं। तो आंसर क्या होगा, ह्यूमन, हम इंसान डोमेस्टिक एनिमल को फूड प्रोवाइड करते हैं, उनका शेल्टर बनाते हैं, उनको वहाँ पे रखते हैं, उनकी साफ़ सफाई का हम लोग ध्यान रखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज यूज टू कैरी लोड, हमारा सामान, हमारा बोझा कौन होता है, कौन सा जानवर। तो उसमें 4 एनिमल्स नेम थे, और उसमें से डंकी, डंकी जिसे हम गधा बोलते हैं, वो क्या करता है, वो कैरी करता है, हमारे जो सामान होते हैं उनको कैरी करता है। जैसे वॉशरमैन जो कपड़े धोते हैं, मतलब जिसे धोबी कहा जाता है, वो अपने साथ गधा रखता है, और क्या करते हैं, उस गधे पे वो कपड़े का जो गट्ठा होता है उसको रखते हैं और नदी के यानी कि नदी के किनारे ले जाते हैं, ताकि वो आसानी से धो सके, क्योंकि कपड़ा तो बहुत सारा होता है, तो एक साथ तो वो नहीं उठा सकते, तो अपने साथ वो गधे को रखते हैं, डंकी रखते हैं, और उनकी पीठ पे उस बोझे को वो रख देते हैं। और बहुत सारी जगह पे डंकी क्या करता है, जैसे कि घर जो बनाते हैं, जो मैसन होते हैं, जो राजमिस्त्री होते हैं, वो भी गधे को रखते हैं ईंट वगैरह ढोने के लिए। तो ये इस तरह से हमारे लोड्स को, हमारे लोड्स को कैरी करते हैं, तो क्या हो जाएगा, डंकी। उसके बाद है 3rd क्वेश्चन क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स, नहीं उसके बाद हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज नॉट अ वाइल्ड एनिमल, वाइल्ड एनिमल नहीं है। 4 यानी कि 4 एनिमल्स नेम थे, जिनमें से एक ऑप्शन सही था, वाइल्ड एनिमल नहीं है। तो गोट, बकरी वाइल्ड एनिमल नहीं है, जंगली जानवर नहीं है, वो डोमेस्टिक है। उसके बाद था विच ऑफ द एनिमल्स लिव इन वाटर, पानी में कौन जानवर रहता है। तो 4 ऑप्शन थे, जिसमें से 2 सही था, फ्रॉग एंड क्रोकोडाइल। तो लास्ट वाला डी वाला जो ऑप्शन था, उस पर आपको टिक लगाना था, बोथ डी एंड सी, मतलब दोनों सही है, चूज वन ऑड वन आउट, आपको जो गलत था उसे चूज करना था, ठीक है ना। तो जिराफ, डंकी, हॉर्स एंड टाइगर, तो इसे ईटिंग हैबिट के आधार पे आपको चूज करके क्या करना था, अलग करना था। तो इसमें जिराफ, डंकी और हॉर्स, ये तीनों क्या है, प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट ईटर है, मतलब पेड़ पौधे खाते हैं, और पेड़ पौधों से जो मिला हुआ, जो हमें सामान मिलता है, वो सब खाते हैं। लेकिन टाइगर जो है वो प्लांट्स नहीं खाते हैं, ना ही प्लांट प्रोडक्ट, वो क्या खाते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ अदर एनिमल्स को मारकर खाते हैं। उसके बाद है अ नेस्ट इज़ अ होम ऑफ, घोंसला किसका घर है,
तो आप सभी को पता है कि नेस्ट किसका घर होता है, किसके होम को बोलते हैं, तो बर्ड्स के होम को। तो वहाँ पे बर्ड्स नेम था स्पैरो। स्पैरो के घर को हम क्या बोलते हैं, नेस्ट बोलते हैं। सभी बर्ड्स नेस्ट में रहते हैं, घोंसले में रहते हैं। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स कैन नॉट फ्लाई। इसमें भी दो यानी कि चार ऑप्शन थे जिसमें से आपको दो ऑप्शन सही था, जैसे क्रो है, उसके बाद पेंगुइन, ऑस्ट्रिच और डी नंबर क्या था, बोथ बी एंड सी। तो आपको क्या करना है, दोनों पे टिक तो नहीं लगाना है, तो लास्ट वाला जो डी नंबर है उस पे टिक लगाना है, मतलब बी वाला भी सही है और सी वाला भी सही है। तो आपको डी वाले पे टिक लगा देना था, पेंगुइन और ऑस्ट्रिच दोनों बर्ड है लेकिन उड़ नहीं सकती। उसके बाद क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बर्ड, कौन बर्ड नहीं है, चिड़िया नहीं है, तो पिकॉक, आउल, बैट एंड ऑस्ट्रिच। तो बैट, बैट मीन्स चमगादड़ होता है, वो चिड़िया नहीं है, वो उड़ता ज़रूर है लेकिन वो चिड़िया नहीं है, तो बैट वाले को आपको टिक करना था। उसके बाद था विच ऑफ द फॉलोइंग फूड वी गेट फ्रॉम एनिमल्स, हमें कौन सा एनिमल से मिलने वाला भोजन है। तो फोर ऑप्शन थे ए और ए बी सी डी। तो मीट, मीट मतलब जो मांस होता है, तो हमें कहाँ से मिलता है, तो वो एनिमल से मिलता है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स गिव अस मिल्क, हमें कौन दूध देता है। तो यहाँ पे फोर ऑप्शन थे काऊ, गोट, बफेलो, ऑल ऑफ दीज। काऊ भी देती है, बफेलो भी देते हैं, देती है और गोट भी देती है, तो ऑल ऑफ दीज लास्ट वाला जो ऑप्शन है वो हो जाएगा, मतलब ये सभी, ये तीनों हमें दूध देती हैं। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन स्टेटमेंट सही है। वॉल्फ इज़ अ डोमेस्टिक एनिमल, तो ये गलत है ना, वॉल्फ जंगली जानवर है, वाइल्ड एनिमल है। आउल इज एन एनिमल, उल्लू एक जानवर है, तो नहीं वो एक बर्ड है। हॉर्स इज यूज्ड फॉर हाउसकीपिंग, घोड़े को हम लोग घर की रखवाली करने के लिए नहीं रखते, ये भी गलत है। तो लास्ट वाला जो था डी नंबर, रैबिट इज अ प्लांट ईटिंग एनिमल, रैबिट जो है वो प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट क्या खाता है, तो लास्ट वाला डी नंबर जो था वो सही है। एंड हैज लेग्स एंड अ बर्ड हैज विंग्स, किसे सिक्स लेग्स होता है और बर्ड को कितने विंग्स होते हैं। तो इंसेक्ट को सिक्स लेग्स होते हैं और बर्ड को क्या होते हैं, टू विंग्स होते हैं। तो यहाँ पे बी नंबर वाला ऑप्शन जो था वो सही था, इंसेक्ट एंड टू, एक में इंसेक्ट, आपको पहले वाले में इंसेक्ट लिखना था। इंसेक्ट हैज सिक्स लेग्स, जो कीड़े मकोड़े होते हैं आप सभी देखते होंगे, अभी तो बरसात का मौसम है और सभी के घर में क्या होता है, जब बत्ती जलती है रात में, जब लाइट जलती है तो क्या होता है, सभी कीड़े मकोड़े क्या होते हैं, लाइट पे, बल्ब पे आ जाते हैं। आप तब देखिएगा, जैसे हम हाउस फ्लाई मक्खी को देखते हैं, मक्खी को भी सिक्स लेग्स होते हैं। उसके बाद आपको कॉकरोच को भी सिक्स लेग्स होते हैं। उसके बाद आपको मॉस्किटो मच्छर, उसको भी सिक्स लेग होते हैं। ज़्यादातर मतलब जो कीड़े मकोड़े हैं उन्हें कितने यानी कि कितने लेग्स होते हैं, तो सिक्स लेग्स होते हैं। और जितने भी बर्ड्स हैं उन सभी बर्ड्स को टू विंग्स होते हैं, चाहे वो उड़े चाहे ना उड़े, सभी को टू विंग्स होते हैं। उसके बाद क्या था, मैच द लिस्ट विथ ए, लिस्ट ए मतलब फर्स्ट को और सेकेंड को, दोनों को मैच करना था। तो हेन, एक तरफ आपको हेन, काऊ, कैमल, बटरफ्लाई, और दूसरी तरफ क्या था बर्ड इंसेक्ट लिव्स इन डिजर्ट डोमेस्टिक एनिमल। तो हेन क्या हो जाएगा, तो हेन बर्ड है, काऊ क्या है, तो डोमेस्टिक एनिमल है, कैमल लिव्स इन डिजर्ट, वो जहाँ रेगिस्तान होता है, जहाँ रेत होती है वहाँ रहता है, जैसे राजस्थान में ऊँट ज़्यादा पाया जाता है क्योंकि वहाँ की वही सवारी है, वो आसानी से रेत पे चलता है, ऊँट जो है वो आसानी से रेत पे चलता है, दौड़ता है, चलता भी नहीं है दौड़ता है, तो वहाँ के लिए ऊँट सही है और वहीं रहता है, ऊँट वहीं पाया जाता है। उसके बाद बटरफ्लाई क्या है, तो बटरफ्लाई इंसेक्ट्स है। और उसके बाद क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर वाइल्ड एनिमल, वाइल्ड एनिमल के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू था। तो इसमें भी ए बी सी डी करके ऑप्शन थे, वाइल्ड एनिमल डिपेंड ऑन ह्यूमन फॉर फूड एंड शेल्टर, तो ये गलत है, वाइल्ड एनिमल खुद अपने खाने का यानी कि भोजन की तलाश करते हैं और खुद अपना घर बनाकर मतलब खोज कर उसी में रहते हैं, वो इंसान की मदद नहीं ले सकते, अगर इंसान जाएगा तो वो क्या करेंगे, इंसान को चीर फाड़ देंगे। उसके बाद क्या है, बी नंबर, वाइल्ड एनिमल्स आर नॉट डेंजरस फॉर ह्यूमंस, हम इंसानों के लिए वाइल्ड एनिमल
ख़तरनाक नहीं है तो बहुत ख़तरनाक है। हम इंसान अगर उसके सामने जाएंगे तो वाइल्ड एनिमल क्या करेंगे, हम पे अटैक करेंगे, हमें मार देंगे। वाइल्ड एनिमल्स लिव इंडिपेंडेंटली इन द फॉरेस्ट। हाँ, ये जो ऑप्शन है ये सही है। वाइल्ड एनिमल जंगल में रहते, जो जंगली जानवर वो जंगल में खुले घूमते हैं, वहाँ उन्हें कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है ना, तो वहाँ वो आसानी से एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं। तो ये वाला सी नंबर वाला ऑप्शन सही है। लास्ट वाला क्या था, वाइल्ड एनिमल्स कैन नॉट लिव विदाउट ह्यूमन। वाइल्ड एनिमल इंसानों के बिना नहीं रह सकते, तो ये भी गलत है, वो इंसानों के बिना ही रहते हैं। डोमेस्टिक एनिमल हम इंसानों के बिना नहीं रह सकते, लेकिन वाइल्ड एनिमल्स क्या है, हम इंसानों के बिना रह सकते हैं। तो ये तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, उन सभी क्वेश्चन का मैंने रिविज़न कर दिया, आप सभी बच्चे अच्छे से उसे सुने होंगे, समझे होंगे। अब हम आते हैं, ये जो बोर्ड पे आपको वर्ड सर्च लिखा हुआ मिला है, तो ये एनिमल वर्ड सर्च है, इनमें एनिमल्स के नेम छुपे हैं, आपको उन एनिमल्स का नाम खोजना है, ठीक है। आप सबसे पहले अपने नोटबुक में एक, यानी कि एक अच्छे पेज में जो नया पेज होगा उसमें आप पहले क्वेश्चन लिखिएगा, डेट लिखने के बाद क्वेश्चन लिखिएगा, उसके बाद आपको क्रॉस में क्या करना है, इस तरह से आपको 9 बॉक्सेस बनाने हैं, और डाउन में आपको क्या करना है, 8 बॉक्सेस बनाने हैं, ओके। इस तरह से आपको, जिस तरह से मैंने आपकी मिस ने बोर्ड पे वर्ड्स उस बॉक्सेस में लिखे हैं, लेटर्स लिखे हैं सॉरी, उस लेटर्स को आपको इसी तरह लिखना है। उसके बाद अभी मैं आप क्या दूंगी, इधर उन सभी एनिमल्स का नेम लिखूंगी, और उन सभी एनिमल्स का नेम आपको इसमें वर्ड सर्च में आपको ढूंढना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है आउल, OWL आउल, तो इस वर्ड सर्च में आपको आउल खोजना है। दूसरा है डक, DUCK डक, ठीक है। उसके बाद है स्नेल, फोर है बैट, स्नेल मीन्स क्या होता है, घोंगा, है ना, बैट मीन्स चमगादड़। फाइव में है स्क्वायरल, SQUIRRER स्क्वायरल मीन्स गिलहरी। सिक्स नंबर है फिश, FISH फिश। सेवन है टर्ट माउस, ठीक है, MOUSE माउस। एट है टर्टल, TURTLE टर्टल। नाइन है फॉक्स, FOX फॉक्स, फॉक्स मीन्स क्या होता है, लोमड़ी, टर्टल मीन्स कछुआ। और लास्ट है डियर, ओके, डियर मीन्स हिरन। इन 10 एनिमल्स का नेम आपको इस वर्ड सर्च में ढूंढना है। सबसे पहले आउल, तो आउल कैसे देखना है आपको, फर्स्ट लाइन में, फर्स्ट रो में आपको देखना है कि इसमें आपको मिल रहा है तो नहीं मिल रहा है, जी है, आर है, ओ है, यू है, एंड डी एच ओ जी, तो नहीं यहाँ पे कोई वर्ड नहीं मिला। उसके बाद सी डी डब्ल्यू एम आई यू ई एच, नहीं है, डी डी एल ओ, हाँ, तो ये चीज़ आप देख सकते हैं, ओ डब्ल्यू एल। डाउन मतलब डाउन में आएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे हमें ओ डब्ल्यू एल नज़र आया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इस तरह से सर्कल करना है, ओके। तो आउल हमने खोज दिया, अब आपको क्या करना है, डक खोजना है। तो डक हम कैसे खोजेंगे, तो इसी तरह से यहाँ पे डी है, यू है, सी है और के है, यहाँ पे डक हो गया, तो इस तरह से आपको डक भी मिल गया, इसको ऐसे निशान लगा देना है। टू एनिमल्स नेम मिल गया, उसके बाद स्नेल है, तो आप इस तरह से खोजिएगा, इस तरह से भी खोज सकते हैं, तो एस ए एन ए आई एल स्नेल, थर्ड वाला भी मिल गया। उसके बाद बैट, अब बैट का खोजना है, तो बी ए, बी ए मिल गया और टे भी मिल गया, तो इस तरह से आपको क्या करना है, सर्कल लगा देना है, ओके। अब स्क्वायरल, स्क्वायरल पे आया, तो अब स्क्वायरल आपको खोजना है, तो आप
सीधे नीचे वाले में आइए, नीचे वाले में एस क्यू यू आई आर आर ई एल स्क्वायर, तो आप बैक में आइएगा, ठीक है। तो ये स्क्वायरल भी मिल गया, फिश एफ आई एस एच, है ना। तो फिश कहाँ है, तो फिश आपको कहाँ पे मिलेगा, एफ नहीं एस एफ हाँ, तो इधर एफ आई एस एच, इस तरफ से आप ऐसे आइएगा, फिश हो गया, ठीक है। ये फिश हो गया, उसके बाद आपको माउस खोजना है ना। तो माउस कहाँ पे है, तो आपको फर्स्ट लेटर देखना है एम, एम कहाँ है, तो एम यहाँ है, अदर कहीं पे एम नहीं है, एम ओ यू एस ई माउस मिल गया, ये भी मिल गया आपको। उसके बाद आपको टर्टल खोजना है, आपको टी देखना है कि टी कहाँ पर है, तो टी यहाँ है, इसके अलावा टी और कहीं नहीं है किसी भी वर्ड सर्च में, हाँ यहाँ पे भी है, तो ये एक साथ हो जाएगा टी यू आर टी एल टर्टल, ठीक है। इस तरह से आपको मिल गया फॉक्स। अब फॉक्स पे आना है, तो आपको फर्स्ट लेटर देखना है, तो एफ यहाँ है और कहीं पे है नहीं है, ओ एक्स आपको तीनों मिल गया एक ही साथ, वो इसको कर देना है। उसके बाद लास्ट बचा डियर, अब डियर कहाँ पे है, तो डियर यहाँ है, सॉरी यहाँ पे ओ लिख दी मैं, यहाँ डियर है। तो ये 10 का 10 एनिमल्स नेम आप सभी बच्चों को मिल गया। इस तरह से आपको क्या करना है, सबसे पहले तो क्वेश्चन लिखना है, उसके बाद 9 बॉक्सेस आपको क्रॉस में बनाना है इस तरह से, और डाउन में आपको 8 बॉक्सेस बनाना है, ठीक है। और सब में लेटर्स को अच्छे से नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में लिखना है, और उसके बाद आपको ये एक लाइन में आपको इस तरह से आप लिख लीजिए जिस तरह से मैंने लिखा है, और उसके बाद इस वर्ड सर्च में आपको सर्किल कर देना है, ठीक है। इस तरह से आप लोग सभी बच्चे कर लीजिएगा, इस एनिमल्स नेम को भी याद कर लीजिएगा, और हमारा जो क्लास है यहाँ पे एंड करती हूँ मैं, ठीक है। और जब हमारा क्लास एंड होता है तो मैं सभी बच्चों को क्या देती हूँ, गुड मैनर टिप देती हूँ, और आज का गुड मैनर टिप क्या है, प्लेइंग आउटडोर के लिए ही है, तो डू नॉट बुली। बुली मीन्स होता है धमकाना डराना। जब आप सभी बच्चे अपने घर से बाहर खेलते हो या स्कूल में खेलते हो, तो किसी भी बच्चे को नहीं डराना चाहिए, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हो या आपके क्लासमेट हो या स्कूलमेट हो या आपके मोहल्ले के अदर बच्चे हो, या जब आप पार्क में जाते हैं तो झूला है या कोई भी अदर चीज़ है उस पे से उतारने के लिए उन बच्चों को नहीं डराना चाहिए, ठीक है ना। ये बैड हैबिट्स है। गुड हैबिट्स क्या है, हमें बच्चों से अच्छे से बात करनी चाहिए, आपसे छोटे हैं उनसे भी अच्छे से बात करनी चाहिए, आपसे बड़े हैं उनसे भी अच्छे से बात करनी चाहिए। तो आज का गुड मैनर टिप क्या है, डू नॉट बुली। किसी भी बच्चों को, किसी भी इंसान को डराना धमकाना नहीं चाहिए। तो आज हम क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम फिर गुड मैनर के साथ आप सभी बच्चों को मैं गुड मैनर टिप दूंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू ऑल, गुड बाय एंड टेक केयर।